दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर पब्लिकली कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में एम्स्टर्डम में एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनीज के स्टॉक और बॉन्ड्स बाय और सेल किए जाते थे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 दुनिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि आज का ये बिजनेस वर्ल्ड दुनिया के इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज की वजह से चल रहा है। अगर इन स्टॉक एक्सचेंजेस में स्लो डाउन आता है तो पूरी वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन माना जाता है, जिसे हम आम भाषा में मंदी कहते हैं। तो दोस्तों, बिज स्टोरी की ये नए वीडियो में हम इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट वो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी वैल्यूएशन 3.07 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, और बीएससी के आज के डेटा की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। 9th नंबर पर है TSX, जिसे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, जो कनाडा में लोकेटेड है, और वो 1852 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 2200 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और जिसका मार्केट कैप 3.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 8th नंबर पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो 1801 में एस्टेब्लिश किया गया था, और नाम से ही पता चलता है कि इसका हेडक्वार्टर लंदन सिटी यूके में स्थित है, जहां पर 3000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और LSE का टोटल मार्केट कैप 3.71 ट्रिलियन डॉलर। 7th नंबर पर है सेंजेन स्टॉक एक्सचेंज, जो चाइना में लोकेटेड है, जिसको 1990 में यानी कि 30 साल पहले ही एस्टेब्लिश किया गया है। सेंजेन स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। 6th नंबर पर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान, जिसका मार्केट कैप 5.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जापान के टोक्यो सिटी में 1878 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में आज के समय में 3700 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। 5th नंबर पर है हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज। हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज को 1891 में सेटअप किया गया था, जहाँ पर आज के समय में 2500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और जिसका मार्केट कैप 6.4 ट्रिलियन डॉलर। 4th नंबर की बात की जाए तो वो यूरोनेक्स्ट है। यूरोनेक्स्ट का हेडक्वार्टर नेदरलैंड एम्स्टर्डम में लोकेटेड है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 कंपनी लिस्टेड है, जिसका मार्केट कैप 6.65 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 3rd नंबर पर जो नाम है दोस्तों, वो आपको काफ़ी सरप्राइज कर देगा, क्योंकि उसे एस्टेब्लिश हुए सिर्फ 30 साल का टाइम हुआ है, फिर भी वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है, जिसे हम शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को 1990 में सेटअप किया गया था, जिसका मार्केट कैप 6.9 ट्रिलियन डॉलर। 2nd नंबर पर है दोस्तों नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, जो US के न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है, जिसे 1971 में सेटअप किया गया था, जिसका मार्केट कैप 19.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्केट कैप वाली कंपनी लिस्टेड है। अब बारी आती है दोस्तों 1st नंबर की। 1st नंबर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 24.5 ट्रिलियन डॉलर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को 1792 में एस्टेब्लिश किया, जिसे हम NYSE के नाम से भी जानते हैं। NYSE में आज 2400 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, मैगडी, वॉलमार्ट, नाइकी, अमेजोन, गूगल, टेस्ला, इंटेल जैसी दुनिया की जानी मानी कंपनी लिस्टेड है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि अगर हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करानी है तो हमें स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की मेथड अपनानी होगी, क्योंकि आज हम जिस कंट्री को सुपर पावर कहते हैं, वो US आज सुपर पावर अपनी इकोनॉमी की वजह से ही है, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक मार्केट नैस्डैक और NYSE वो USA की। तो लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि देशभक्ति का कुछ काम करना ही है तो देश की इकोनॉमी को बूस्टअप कराते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही सच्चा देश प्रेम है। जिस देश की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ की दशा और दिशा अपने आप ही बदल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।